सबको प्रणाम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर माननीय कोर्ट में जो विवाद चल रहा है उस पर आज सुनवाई लगी थी। ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हैं। और इस सुनवाई में मतलब एक संभावना थी कि फाइल टेकअप होगी, लेकिन फाइल टेकअप अभी नहीं हुई है, ठीक है। और पूरा मैटर समझिए कि क्या हुआ, क्यों फाइल टेकअप नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर कोर्ट में, जैसे कि जो 23 तारीख को डेट लगी थी उस कोर्ट से चेंज होकर 29 नंबर में आज की डेट लगी है, 30 तारीख वाली, ठीक है। तो 29 नंबर कोर्ट आज बैठी ही नहीं, समझ रहे हैं ना आप, 29 नंबर कोर्ट आज नहीं बैठी है। तो 29 नंबर के केस ट्रांसफ़र हुए हैं कोर्ट नंबर तीन में। तो कोर्ट नंबर तीन में जो ट्रांसफ़र केस हुए हैं लंच के बाद, वहाँ सुनवाई उस पर हो रही है। अमूमन ये होता है, जैसे क्या होता है ना कि तीन तरह की प्रक्रिया होती है, जो फ्रेश केस होते हैं वो मॉर्निंग में सुने जाते हैं, और जो केस ट्रांसफ़र किए होते हैं वो लंच के बाद सुने जाते हैं, और जो लिस्टेड केस होते हैं वो लंच के बाद इवनिंग तक सुने जाते हैं, या तो फाइल टेकअप नहीं होती है। तो हम लोगों का फ्रेश केस था कोर्ट नंबर 29 में सुबह, लेकिन इत्तेफाक से 29 नंबर कोर्ट आज नहीं बैठी। और ये कोई नई बात नहीं है, कोर्ट का बैठना न बैठना, कोर्ट का उठ जाना, ये सब प्रक्रियाएँ बहुत पुरानी हैं। तो 29 नंबर कोर्ट से ट्रांसफ़र होके, जब कोर्ट नहीं बैठी है तो केस ट्रांसफ़र होके ये चला गया है आपका कोर्ट नंबर तीन में, और कोर्ट नंबर तीन में ट्रांसफ़र केस सुने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें अपना नंबर कब आएगा यही इंतज़ार है। वकील साहब का अभी मैसेज आया था, मैंने फ़ोन किया था, वकील साहब ने फ़ोन मतलब काट दिया है। तो उन्होंने मैसेज किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसे ऐसे बात है, और मतलब कोर्ट नंबर तीन में है, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कोर्ट में ही अंदर बैठे थे, जैसे क्या है ना कि जैसे हमारा केस लग रहा है तो अपने अधिवक्ता वहाँ बैठे रहेंगे कोर्ट में कि कब फाइल टेकअप हो जाए, तो तुरंत खड़ा होना पड़ता है। तो वो कोर्ट में बैठे थे इसलिए वो वहाँ फ़ोन पिक नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया है। तो एक संभावना है कि फाइल टेकअप होगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, 100% श्योर रहिए, मतलब कि अंतिम निर्णायक फैसला आज नहीं है, अभी भी हम लोगों के पास पूरा भरपूर मौका है, निश्चिंत रहिए। जो एक डर बना हुआ था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जब केस इधर उधर कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा ना, तो जब बार बार नए जजों के हाथ में जाता है मैटर, तो पहले तो मैटर को जज साहब समझते हैं ना कि किस नए कोर्ट में जाएगा, हर कोर्ट में अलग अलग जज साहब बैठते हैं, तो जज साहब पूरे मैटर को समझेंगे तभी तो। तो एक संभावना है कि ये केस अभी टेकअप होगी नहीं होगी, क्योंकि अपने जो जिसमें लगी थी उसे ट्रांसफ़र होकर तीन नंबर में गई है, तो अभी फाइल टेकअप नहीं हुई है, और लेकिन ट्रांसफ़र केस ही चल रहे हैं कोर्ट नंबर 29 के तीन में, और हो सकता है कि ये फाइल टेकअप हो जाए। तो श्योर रहिए, अभी बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और वकील साहब से, जब कोर्ट से, मुझे लग रहा है कि वकील साहब फ़ोन पे बात करेंगे कोर्ट से निकलने के बाद, ठीक है। तो कोर्ट से 5 बजे की समथिंग निकलते हैं, क्योंकि पूरी सुनवाई कोर्ट के अंदर होगी और 5 बजे तक अंदर रहते हैं, और भी सारे मैटर होते हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निडर होके, थोड़ा सा वकील साहब नाराज़ थे, रीज़न क्या था कि जैसे उनको उम्मीद थी कि हम फुल पेमेंट करेंगे, तो भाई अब जब हम लोग इतना प्रयास किए फुल पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो थोड़ी सी उनकी नाराज़गी जाहिर थी। मतलब उन्होंने कोर्ट में से फ़ोन, जैसे हमने पैसा पेमेंट किया, उन्होंने फ़ोन किया कि मतलब पेमेंट क्यों नहीं तुमने किया, हमने कहा कि सर हमने पेमेंट तो कर दिया है, कह रहे हैं कि नहीं वो पेमेंट नहीं है, हमारा पेमेंट फुल दो। हम बोले कि सर ठीक है, आप आगे की प्रक्रिया करिए, हम प्रयास में लगे हैं, आपको हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से वीडियो के अंत में यही करूँगा कि सभी जितने भी भाई जो सहयोग नहीं किए हैं, यार आप लोग पीछे ना हटिए, ये अंतिम मौका है, एक लास्ट निर्णायक फैसला आने वाला है, मतलब एक जीता हुआ केस हार जाना बेहतर नहीं लगेगा, सब लोग मिलके सपोर्ट करें, साथ दें, आज नहीं कल हो सकता है इस मैटर पे अंतिम निर्णय आ जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोग समझेंगे, और जितने भी छात्र पैसा पेमेंट कर चुके हैं वो भी एक बात ध्यान से सुने, आप लोग ऐसा नहीं कि आज कोर्ट में सुनवाई हो रही या सुनवाई होगी तो अब चुपचाप बैठ जाइए, चुप नहीं बैठना है, लगातार ग्रुप में कैंपेनिंग करते रहना है। आप लोगों को याद होगा जब 5 फरवरी को जो ऑर्डर आया था, जब मैं जीता था केस को पूरे, तो उस समय पूरे प्रदेश में मेरे, आज तो कम से कम 10 लोग मेरे साथ खड़े भी हो रहे हैं ना ग्रुप में, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता था, 3 महीना कंटिन्यू पर डे कैंपेनिंग करता था ग्रुप से लेके यूट्यूब तक,
सोचो कितना मेहनत किया था, मेहनत करके फिर जाके वो केस को मैंने जीता था। तो अभी तो 6-7 दिन हुए कैंपेनिंग करते हुए, और इस केस में लगातार कैंपेनिंग जारी रखनी है कि ताकि लोग सपोर्ट करें और इस केस को जीत लिया जाएगा। और जितने भी अन्य फाइल वाले भाई लोग हैं, आप लोगों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों के बारे में भी कुछ अच्छा विचार करूँगा, ठीक है, लेकिन अभी प्रजेंट इस मैटर को जीतने पर फोकस करके मुझे हेल्प करें, नहीं तो फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।